नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और क्रिकेट लवर्स, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे हैं, कौन है? रिजवान, विकेट कीपर बैट्समैन है, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं और काफ़ी कुछ टाइम से काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दिखाते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बनते जा रहे हैं बाबर आजम के बाद। तो भाई, आप सब जानते हो कल इनका फर्स्ट T20 हुआ था, तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई थी और शानदार शतक, एक हफ्ते के अंदर 2 शतक लगाए थे। और ये सेकंड विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने शतक लगाया। फर्स्ट थे ब्रैंडन मैकेलम न्यूजीलैंड की साइड से, और सेकंड अब बन चुके हैं कौन? रिजवान। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दिखाई, 64 बॉलों में इन्होंने कम से कम 104-105 रन बनाए थे और अपने एक तरफ अपनी टीम को लेकर चले थे। परंतु मैं चाहता हूं कि इनके साथ साथ पूरी टीम साथ में चले और सब अपने हिसाब से रन बनाए, क्योंकि आप सब जानते हो कि एक प्लेयर पर पूरी टीम डिपेंड होगी तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती है। तो चलो भाई, बाबर आजम के अलावा किसी और ने बनाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो रिजवान ने अपने आपको प्रूव किया। हैदर अली ने भी 3 छक्के मारे, काफ़ी शानदार बड़े बड़े छक्के मारे। परंतु आप सब जानते हो कि 3 छक्कों से काम नहीं चलता, कम से कम स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ती है और आपको लंबा जाना पड़ेगा। अगर वो कम से कम 7-8 ओवर ही नहीं तो अगर 10 ओवर तक रिजवान सटीक जाते तो ये जो 160-170 का स्कोर था पाकिस्तान का, ये कहीं 200 पार इजिली दिखता। और जो उनके जो नीचे के बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर्स हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। एक जिसे बोलते हैं कि वन मैन शो था पूरा पूरा, वो भी रिजवान खान का शो था। और काफ़ी अच्छी बैटिंग इन्होंने दिखाई और दिखाया कि अपने अकेले दम पे टीम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और बाबर आजम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज उनके लिए अच्छी नहीं गई है, एज अ प्लेयर एज अ कैप्टन अच्छी गई है, परंतु उनकी तरफ से एक सेंचुरी नहीं आई है। और T20 में उनसे नेक्स्ट मैच में एक लंबी पारी की उम्मीद बहुत जल्द होगी। तो भाई कैप्टन है भाई पाकिस्तान के आप, और आपसे काफ़ी लंबी बड़ी इनिंग पेंडिंग है आपकी तरफ से, तो भाई आपसे एक लंबा शो देखेंगे। और सेकंड T20 के हिसाब से बात करते हैं तो हम रिजवान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, परंतु आप जानते हो कि ट्रायल दौर पर है तो सरफराज को भी चांस मिल सकता है। और पेसर्स ने बहुत निराश किया, काफ़ी सारे विकेट, बिल्कुल भी विकेट नहीं उन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा रन खाए, 37-44 4 ओवर में से रन खा रहे हो, कैसे चलेगा? और लास्ट ओवर्स जब फहीम अशरफ को देते हैं और 19 रन चाहिए होते हैं, तो फहीम अशरफ आप सब जानते हो कि उनको अपने अंदर धार लानी पड़ेगी और अपनी बॉलिंग में कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप अपनी जो टीम में हो एज अ ऑलराउंडर, एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर नहीं हो, आपको अपने हर प्लेटफॉर्म पर जहाँ आपको चांस मिले वहाँ अपने आपको प्रूव करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है कि सेकेंड जो T20 होने वाला है उसमें शायद कुछ पेसर्स चेंज हो जाए, क्योंकि उस्मान कादिर ने तो अपनी तरफ से प्रूव कर दिया है, स्पिनर्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई गलती नहीं दिखी है। स्पिनर्स ने बहुत ही शानदार बल्ले गेंदबाजी की थी और मुतोड़ जो साउथ अफ्रीका को, तो भाई सेकंड T20 में उनको हल्के में नहीं लेना। और 1-0 से आपने शायद सीरीज में आगे बढ़त बना ली है, परंतु अगले वाले मैच में आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल सकता है। और साउथ अफ्रीका आप सब जानते हो कि फाइट बैक के लिए मशहूर है, और उनको अच्छा फाइट देना, और आशा करता हूँ कि पाकिस्तान उनको अच्छे से क्लीन स्वीप कर देगी और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस इनकी तरफ से देखने को मिलेगी। और आगे आने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान भी काफ़ी कीप इट अप कर सकता है। तो भाई आई होप इनकी तरफ से काफ़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपके इस टॉपिक के बारे में क्या राय है, और आप बताइए पाकिस्तान का अपकमिंग सुपरस्टार कौन होने वाला है आने वाले समय में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में एक और क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट के